दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं और कितने तक चार्जेस लगते हैं। आज के वीडियो में प्रॉपर लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ, ताकि आपको अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कैश निकालने की जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चार्जेस लगेंगे। मेनली यहाँ पे दो प्रकार के चार्जेस लगते हैं, सबसे पहला कैश एडवांस फी और दूसरा फाइनेंस चार्जेस। कैश एडवांस फी चार्जेस जो है वो फिक्स चार्जेस होता है, मिनिमम आप चाहे 100 रुपये निकाले, चाहे 5000 निकाले, चाहे 2000 निकाले, पर ट्रांजेक्शन बेसिस पे 500 रुपये आपको लगेंगे ही लगेंगे, और अगर ज्यादा अमाउंट है तो उसका 2.5% लगेगा, मिनिमम 500 रुपये फिक्स लगेगा ही लगेगा। इसी के साथ साथ दूसरा चार्जेस होता है फाइनेंस चार्जेस, जो कि जिस दिन आप कैश विड्रॉ कर लेते हैं ATM से उस दिन से डे बाय डे पर दिन के हिसाब से आपको ब्याज लगाया जाता है। ये चार्जेस कार्ड टू कार्ड बेसिस पे बढ़ता घटता रहता है, आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। अगर आपके पास ये कार्ड है तो 1.99% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, और जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर 18% GST भी आपको देना पड़ेगा। वहीं पे बाकी कार्ड के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा न्यू कार्ड हो चाहे पेटीएम वाला कार्ड हो, यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हैं। तो अगर आप कैश विड्रॉ कर भी लेते हैं तो मान के चलिए आज आपने 2000 रुपए कैश विड्रॉ किया तो पर दिन के हिसाब से ब्याज लग रहा है। इससे अच्छा यह है कि जब आपके पास पैसे आ जाए, मान के चलिए कल पैसा आ जाए, तो कल ही आपको डाल देना है वो 2000 रुपए, तब उसके ऊपर चार्जेस लगना बंद हो जाएंगे। आप ये ना सोचे कि 48 दिन का पीरियड होता है या बिल बनने के बाद हम पेमेंट करेंगे, फिर तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। और हाँ, ATM से कैश विड्रॉ करने से पहले एक चीज और आप ध्यान में रखें कि सबसे पहले कार्ड को लॉग इन करके ATM ट्रांजेक्शन में सेट करना पड़ेगा लिमिट, और जितना लिमिट आप सेट कर देंगे उतना तक ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, और जितना टोटल क्रेडिट लिमिट होता है उतना आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जितना आपको कैश विड्रॉ लिमिट दिया गया है उतना में से ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लेटेस्ट में आपको नेट बैंकिंग में जाकर के पिन भी जनरेट कर लेना है, ताकि ATM पे जाकर के कुछ प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा चीज ये ध्यान रखें कि ये जो मैग्नेट स्ट्रेप है ना, ये आपका खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं 4 क्रेडिट कार्ड को लेकर के गया था ATM के ऊपर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड मेरा चल पाया, जिससे ये वीडियो बन पा रहा है। बाकी तीनों के तीनों हमारे इसका जो मैग्नेट स्ट्रिप है वो खराब हो चुका है। बाकी दोस्तों इसी बीच बताना चाहूंगा, अभी HDFC के कुछ क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिले हैं, प्लस 1500 का Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिला। अगर आपका कार्ड बन चुका है तो आप फैमिली मेंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% अभी कार्ड का अप्रूवल चल रहा है, सिबिल ठीक ठाक है, तो 100% कार्ड मिल ही जाएगा, चाहे HDFC में अकाउंट हो या ना हो। कार्ड अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। बाकी दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये चार्जेस अगर आप पे नहीं करते हैं तो ये एज ए मिनिमम बैलेंस माना जाता है, ये आपको पे करना ही करना है, इसे आप EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आजकल तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप वॉलेट में लोड करके उसे आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, तो कहीं ना कहीं वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। बाकी आप 0 चार्जेस के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो हमने बनाया था IDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैश विड्रॉ करके दिखाया था, उस क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको फाइनेंस चार्जेस देना ही नहीं पड़ता है, और कैश ट्रांजेक्शन भी वहां पे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए का है। तो वो क्रेडिट कार्ड भी बढ़िया है, अगर आप कैश निकालना चाहते हैं तो उस कार्ड का भी अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाकी क्रेडिट कार्ड से फ्री में पैसे निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।